रिश्तेदारी भूल जाएंगे और आपस में एक दूसरे को पूछना भी भूल जाएंगे। अब आइए इस आयत के अल्फाज का तजिया करते हुए एक एक लफ्ज पर से मसाइल निकालते हैं, जिसको कहते हैं इस्तदलाल, यानी आयतों से और उनके टुकड़ों से सही इस्तदलाल किस तरह किया जाए जो किसी दूसरी आयत के भी ना खिलाफ जाए और नहीं किसी सही हदीस के खिलाफ जाए। इस्तदलाल करना उतना भी आसान है जिस तरह लोग समझते हैं। लोग इस्तदलाल को कहते हैं मेरा गौर व फिक्र। मैं कहता हूं मेरा गौर व फिक्र इस्तदलाल नहीं है। अगर कोई आयत कोई उठा ले और उसका माना उसकी समझ के मुताबिक बयान कर दे और वो कहे कि मैं सही हूं, तो उसका ऐसा सोचना ही गलत है। कुछ देर पहले ही चंद लोगों से बात हो रही थी इंटरनेट पर, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने सूरह हिजर में कहा है कि हमने तुमको सबع मतानी दी। अब सबع का तर्जुमा उन्होंने किसी अंग्रेजी में इंग्लिश के कुरान में कहीं पढ़ लिया कि वी हैव गिवन यू मेनी ऑफ द आयात, मेनी ऑफ द। अब उसका सेवन का तर्जुमा, जो सब है का तर्जुमा जो होता है सेवन यानी सात, उसका तर्जुमा उन्होंने कर दिया मेनी ऑफ यानी बहुत से। अब बोले कि ये मेरा तज्जिया है, बोले मैं इसको कुरान को इस तरह समझ रहा हूं। अब इस तरह लोग अगर अपने अपने हिसाब से अल्फाज का माना निकालने लग जाए, अपने अपने हिसाब से अपनी फिक्र अपना तदब्बुर अगर बयान करने लग जाए, तो नऊज़ बिल्ला कुरान का माना मफहूम की तो खिचड़ी बन जाएगी। कुरान अपनी शक्ल में नहीं रहेगा, उसकी शक्ल मसख हो जाएगी। तो इस्तदलाल कहते हैं कि बात उससे वो निकले जो उसमें हो, पहली चीज। दूसरा, वो किसी और दूसरी आयत या सही हदीस के खिलाफ भी ना जाए। अगर हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से अगर काम करे तो इंसानों की समझ और अफकार और सोचे भी एक दूसरे से मुतजाद होती है, एक दूसरे से टकराती हैं। अगर इस्तदलाल सही हो तो इस्तदलाल कभी नहीं टकराता है। इस्तदलाल कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम कुरान और हदीस। अल्लाह तआला ने सबसे पहले कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगों जो ईमान लाए। सबसे पहला नुक्ता इस लफ्ज से ये निकला कि ईमान वालों से अल्लाह कहता है कि मैं ईमान वाले से मुखातिब हूं। अल्लाह तआला ऐ ईमान वालों से सबसे पहले किससे मुखातिब है? ईमान वालों से मुखातिब है जो ईमान वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ईमान वाले को काफिर नहीं कहना चाहिए। अगर किसी ने किसी ईमान वाले को काफिर कहा या कुफर का फतवा लगाया और उसके अंदर वो कुफर ना हो और वो काफिर ना हो, तो हदीस में आता है कि वो कुफर उस पर पलट कर आता है। ये मसला हमने इस टुकड़े से कैसे निकाला? अल्लाह ने ईमान वालों को ऐ ईमान वालों कहा, वरना जबकि ईमान वाले खुद इंसान भी हैं, तो अल्लाह ये क्यों नहीं कहता कि या अय्युहन नास? मगर जहां इंसानों का मसला था वहां इंसान कहा, जहां ईमान वालों का मामला आया तो कहा ऐ ईमान वालों, क्योंकि ईमान वालों को ईमान वाले कहना चाहिए। कोई ईमान वाला है तो उसको बोला जी मोमिन है, उसके बल खिलाफ उससे मुखातिब नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज मौजूद ना हो, सही बुखारी या मुस्लिम वगैरह की हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो चीज उस पर पलट कर आती है, भले वो काफिर नहीं होगा तो ये काफिर हो जाता है। तो अल्लाह ने ईमान वालों को ईमान वाले से मुखातिब होकर कहा, इसलिए हमें भी ईमान वाले से ईमान वाले कहकर मुखातिब होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ईमान वाले को हमने कुफ्र के साथ जोड़ा और वो चीज अगर उसमें ना पाई जाए तो वो चीज पलट कर खुद की तरफ आती है। दूसरा लफ्ज है अनफिको, अल्लाह ने कहा खर्च करो अल्लाह की राह में। सबसे पहला नुक्ता इससे निकला कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि ये लफ्ज
हुक्मिया जुमला है। अनफिकू खर्च करो, ये जो हुक्मिया जुमला है इस लफ्ज से मालूम होता है कि अल्लाह के राह में खर्च करना फर्ज भी है, वाजिब भी है, जरूरी भी है, हालात के तहत हुक्म बदलता है। बाज वक्त बिल्कुल फर्ज हो जाता है, बाज वक्त वाजिब हो जाता है, बाज वक्त जरूरी होता है, बाज वक्त करते हैं तो सवाब मिलता है, नहीं करते हैं तो कोई गुनाह नहीं। मगर लफ्ज अनफिकु ये बतला रहा है कि फर्ज भी है, वाजिब भी है, जरूरी भी है, लाजिम भी है। दूसरा नुक्ता, खुद अल्लाह तबारक व तआला की जुबानी अनफिकु लफ्ज से मालूम हुआ कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत है, अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत है, तभी तो अल्लाह कहता है कि खर्च करो। अगर इसकी कोई फजीलत ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म नहीं देता। तीसरा नुक्ता मालूम हुआ कि इस हुक्म में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, क्योंकि आम तौर पर हर जुबान में और बिलखुसूस अरबी जुबान में जो जिन्स अगलब होती है, जिस जिन्स का गलबा होता है उसको मुखातिब किया जाता है, न कि जिमनी जिन्स की तरफ। अनफिकु मर्दों की तरफ इशारा है मगर इसमें औरतें भी शामिल है, तो गोया कि अल्लाह तबारक तआला इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म मर्द और औरत दोनों को दिया। इसलिए कुरान मजीद में ऐसी चंद ही आयतें जहां पर बिलखुसूस मौनस का सहगा इस्तेमाल करके औरतों से मुखातिब किया गया है। अगर कुरान के इस मफहूम से, इन आयतों से अगर यही माना लिया जाए कि कुरान में औरतों के तालुक से चंद ही मसाइल है, तो बहुत सारे मसाइल उनसे छूट जाएंगे, उन पर रोजा रखना भी फर्ज नहीं होगा, नमाजें पढ़ना भी फर्ज नहीं होगा,